हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजना तिवारी पे। मेरे चैनल के द्वारा आपको यहाँ के पहाड़ी रिवाज, पहाड़ के वातावरण, पहाड़ी क्षेत्र, खान पान, सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ब्लॉग है। कैसा लगा आपको बताना, और इसको लाइक सब्सक्राइब और कहा सावन का सेकेंड मंडे है और मैं जा रही हूँ यहाँ से नेपाल ब्रह्मदेव, जहाँ शिव जी जी के बहुत बड़ा मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। आज वहाँ के आज मैं दर्शन करने जा रही हूँ, आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगी और आपको वो देख के बहुत अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच गई हूँ नेपाल और सीमा के बीच में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये खड़ी हूँ शारदा घाट, शारदा नदी के पुल में, और यहाँ हम यहाँ से अब जा रहे हैं नेपाल, नेपाल मंदिर। आपको मैं यहाँ का पानी दिखाती हूँ। ये रहा यहाँ का, ये पानी काफ़ी तेज़ बहाव चल रहा है आजकल नदी में, क्योंकि बरसाती नाले, पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते यहाँ नदी का बहाव भी काफ़ी तेज़ हो गया है। ये नेपाल और भारत के बीच में का बांध है, जहाँ से हम अब जाने वाले हैं नेपाल दर्शन करने ब्रह्मदेव। तो आप देखते रहना कि हम किस तरीके से वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ इस जो ये बांध है, यहाँ सात नदियों का पानी मिलकर आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं कि कितना तेज़ बहाव है यहाँ। ये यहाँ का पूरा व्यू है, यह है पूरी शारदा नदी ये उस पार का नज़ारा, जो बांध के इस तरफ से उस तरफ है। ये नेपाल और भारत के दोनों का बीच का मिलन है, आप देख सकते हैं। ये व्यू है, ये बादल लगे हैं यहाँ, मौसम आप देख सकते हैं, मौसम का कोई फर्क है। तो आप हम इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे और हम चाहते हैं अब मंदिर। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं नेपाल सीमा में अब पहुंच गई हूँ। ये रहा, हम नेपाल में हैं और ये है भारत, और इस तरफ है हम अब ये नेपाल की गुट। ये नेपाल में आज हाल ही में रोड सड़क बन रखी है और अभी ये काम अभी जारी है। हम पहुंचने वाले हैं मंदिर, जैसे कि आपको बताया था हम ब्रह्मदेव मंदिर पहुँचने वाले हैं। आपको यहाँ से अब मैं ब्रह्मदेव का जो हम मंदिर पहुँचने वाले हैं, यहाँ का मेन गेट दिखाऊंगी, और यहाँ से हम जहाँ पहुँचने वाले हैं यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा है ब्रह्मदेव मंदिर। तो हम पहुँच गए हैं और यहाँ काफ़ी हवा चलने लग गई है। मौसम आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि मौसम बदल रहा है और बारिश का हो रहा है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि बादल लगने शुरू हो गए हैं। इस साइड से आपको बादल दिख रहे होंगे, इस तरफ से इधर से बहुत बादल आ गए हैं। और आपको मैं दिखा दूँ तो ये थोड़े पीछे साइड आपको एक गेट नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये ब्रह्मदेव। ये सड़क ऊपर वाली तो अभी खैर बन रही है, प्रगति में चल रखी है। ये हाल ही की सड़क बनी हुई है, क्योंकि पहले ये एक कच्ची रोड हुआ करती थी, और ये ऊपर वाली भी तैयारी में, नीचे वाली तो बन चुकी है, अब ऊपर वाली बनने की देरी है। आपको नेपाल दिखा दें हम, ये रहा नेपाल, ये नेपाल है जिस जगह हम खड़े हैं, ये हम नेपाल की जगह खड़े हैं, भारत से नेपाल आ चुके हैं हम। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। लोग हैं और मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं करी, बस बना दिया। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और हम पहुंच गए हैं ब्रह्मदेव। अब
मैं पहुंच गई हूँ नेपाल। जैसे कि आपको मैंने बताया था, मैं ब्रह्मदेव मंदिर और यहाँ की हैं ये छोटी छोटी दुकानें, जो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे हम नेपाल पहुंच गए हैं और फिर हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये है ब्रह्मदेव मंदिर का गेट। अब इसका हम अंदर जाएंगे, जहाँ की आपको यहाँ भगवान जी के दिखा सकते हैं। ये आपको हम गेट के अंदर लेके जा रहे हैं और हम पहुँच गए हैं ब्रह्मदेव मंदिर में। और यहाँ हमें बाहर से ही ढोलक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मतलब यहाँ भजन वजन अभी कीर्तन वगैरह हो रहे हैं। हम पहुंच गए हैं मंदिर ब्रह्मदेव नेपाल। तो यहाँ हमें ये शुरुआत हो गई हमें गेट से। यहाँ आपको दिखाएं एक ही मंदिर सामने हमारे, ये सामने मंदिर है, ये यहाँ उतारते हैं। तो आपको मैं आगे दिखाते रहूँगी कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये रहा, आपको यहाँ का बोर्ड दिखा दूँ, हम यहाँ पहुँचे हैं मंदिर, नेपाल मंदिर। जैसे कि आपको मैंने बताया था, हम नेपाल में पहुँच गए हैं। ये यहाँ पे हम शुरू में दिखाते हैं। हाँ, वो लगी है तेरी। हाँ, वो दिन।